फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएम प्लस स्टडी ग्रुप पर मैं विनोद। दोस्तों बात करेंगे आज कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त वाले क्वेश्चन पे। ठीक, कुछ छात्रों का अनुरोध रहता है हमारा कि भाई ये जो चक्रवर्ती ब्याज की किस्त के क्वेश्चन है ये समझ में नहीं आते हमें। आज आप इस तरीके को देखिए और आप मुझे बताना फिर कि कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त वाले क्वेश्चन आपकी समझ में आए या नहीं आए। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की किस्त वाले क्वेश्चनों में हमें बात क्या याद रखनी है। सबसे पहले आपको उठाना है कि ये जो परसेंटेज दे रखी है उस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। ठीक, सभी को पता होगा कि 12.5% की जो फ्रैक्शन बनती है दोस्तों वो 1/8 बनती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 8 रुपए प्रिंसिपल है तो आपको उसका उसके 1 रुपए इंटरेस्ट के साथ 9 रुपए चुकाने हैं। ठीक, ये आपको इस फ्रैक्शन से पता लग जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि आपको यहां पर 2 किस्तों में चुकाना था। तो देखो यहां पे एक बात आपको समझनी है कि अगर किस्त 2 हो तो आपको इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक, इसका स्क्वायर करके 81 आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके 64 आ जाएगा। अब यहां से ये जो लास्ट फाइनली जो आता है ये वाला पॉइंट, इसको आपको याद रखना है कि ये हमारी प्रत्येक किस्त का मान है। ये 81 आपको किस्त बनानी है। अब आप ऊपर एक चीज देखिए, अगर पहली दूसरी किस्त हमारी 81 की जानी है तो पहली किस्त भी 81 की जानी है। तो यहां पर आप 9 की इंटू कर दीजिए। अगर आपको 9 की इंटू आपने यहां किया है तो 9 की इंटू आपको यहां भी करनी पड़ेगी। तो आप जरा ये चेक कर लीजिए कि आपका टोटल प्रिंसिपल कितना है। टोटल प्रिंसिपल आपका 9872 और 72 में अगर हम 63 जोड़ेंगे तो 136 रुपीज आएगा। ठीक, 136 रुपीज अगर आप लेते हैं किसी से तो दोस्तों आप उसका 81 रुपीज की एक किस्त चुकाते हैं, मतलब 81 की एक और 81 की एक। क्वेश्चन ने क्योंकि हमसे एक ही किस्त पूछी है तो आपको यह समझना है कि अब ये देखिए प्रिंसिपल हमें दे कितना रखा है दोस्तों, 6800 की वैल्यू अगर आपको 136 की वैल्यू अगर आपको 6800 दे रखी है तो आपको 81 की वैल्यू निकालनी है। तो 6800/136 81 आप यहां से इसको काट लीजिए 17 से, 17 4 जा और 17 8 जा 850 और मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 05 और 40। दोस्तों प्रत्येक किस्त इसकी 4050 रुपए की आएगी। दोबारा से मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो परसेंटेज दे रखी है आपको इसे फ्रैक्शन में बनाना है। फ्रैक्शन में बनाने के बाद आपको यहां से एक चीज पता लग जाएगी, 8 रुपए पर 1 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है। इसका मतलब 8 रुपए की राशि अगर आप किसी से लोगे तो आपको 9 रुपए देने होंगे उसको। लेकिन ये चीज देखिए आपको पहले किस्त कितनी है। किस्त अगर आपको 2 में दिखानी है तो आपको यहां पर पहली किस्त को 8 8 9 दूसरी को इसका स्क्वायर किया जाएगा तो 64 और 81 हो जाएगा। आप दोनों किस्तों को बराबर करने के लिए आप ये देख लीजिए इसमें कितने की इंटू की जाए, 9 की इंटू यहां की है तो आपको यहां भी करनी पड़ेगी। ये सारा प्रिंसिपल आएगा, किस्त उसकी 81 आएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी चीज क्वेश्चन में दे रखी, कभी कभी क्वेश्चन आपको किस्त की वैल्यू भी दे सकता है दोस्तों। अगर किस्त की वैल्यू दे देगा तो आपको समझ जाना 81 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, 136 की हमसे पूछी है। ठीक, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप हर कुछ चीज लगा सकते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन को देखेंगे, यहां पर 12,300 रुपए की राशि 2 किस्तों में चुकानी है, 5% की दर है। तो आपको पता है कि 5% की जो फ्रैक्शन बनती है वो दोस्तों 1/20 बनती है। इसका मतलब यह हुआ प्रिंसिपल और अमाउंट की अगर मैं बात करूं, 20 रुपए अगर आप किसी से लेते हैं तो आपको 21 रुपए चुकाने हैं। किस्त है दोस्तों 2 इसकी। ठीक, अगर 2 किस्त है तो आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों 441 और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 400। ठीक, किस्त आपको दोनों बराबर करनी है। बराबर करने का मतलब आपको 21 से यहां पर इंटू करनी है, 21 से आपको यहां पर इंटू करनी है। ये आ गया 420 और 400 मतलब 820 और 820 की प्रत्येक किस्त कितने की बैठ रही है, 441 की। तो अब ये देखिए क्वेश्चन ने दे के रखा है 12,300 रुपए प्रिंसिपल दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 820 की वैल्यू हमें दे रखी है 12,300 रुपए और आपको 441 की वैल्यू आपको निकालनी है। 12300 डिवाइडेड बाई 820 इंटू 441। ठीक, 00 आप इसको काट लीजिए 41 से, 2 जा
थ्री जा थर्टी जा और ये कट गया दोस्तों 15 बार, 15 से इसकी वैल्यू आ जाएगी 6615। ये इसकी प्रत्येक किस्त बैठेगी। अब एक चीज और समझ लीजिए, लेकिन क्वेश्चन में अगर बाई चांसेस दो किस्त ना दे करके तीन किस्त अगर दे दे, तो दोस्तों यहां पर आपको एक छोटी सी बात ध्यान से समझनी है। मैं इसी कॉन्सेप्ट में आपको बताई दे रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं मैं। सपोज अगर क्वेश्चन ये आपसे बोलता कि आपको दो किस्त ना देकर ये पैसा पैसा हो सकता है, क्वेश्चन फिर चेंज कर देगा थोड़ा सा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर किस्त तीन हो तो आपको यहां पर, तो आपने पहले आप इसका वैसा कॉन्सेप्ट समझिए, पहली बार में स्क्वायर करना है और दूसरी बार में इसकी क्यूब करनी है। क्यूब करके आ जाएगा 729 और इधर आ जाएगा 512। अब आपका काम यह है कि आपको ये तीनों किस्त बराबर करनी है, 729 की ये किस्त आपको बनानी है। ठीक, कॉन्सेप्ट आपको पता लगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो फाइनली किस्त बैठती है, तीन किस्तों का मतलब है हमें हर किस्त 729 रुपए की देनी है, 729 यूनिट की देनी है। तो आप इसको बनाने के लिए तो आप यहाँ पे 9 की इंटू करेंगे, इसका मतलब 9 यहाँ पे भी करना पड़ेगा। इसकी बनाने के लिए 81 की करनी पड़ेगी, इसका मतलब 81 की यहाँ भी करना पड़ेगा। इन सबको मल्टीप्लाई करके आप ऐड करेंगे, वो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा और प्रत्येक किस्त आपकी 729 रुपए की बैठेगी। जो भी यहाँ सम आएगा उसको आप इससे कंपेयर करा देंगे, 729 की वैल्यू निकाल देंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट किस्त वाले क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो जरूर करना। और एक बात और कि क्वेश्चन के अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट में करके बताएं जरूर। ठीक, थैंक यू गाइस।